दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रेड बटन पर क्लिक करने के बाद इसके बराबर में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारी सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विशाल ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारे बहुत से दोस्त को पता नहीं चल पाता है कि मतलब वोटर लिस्ट वोटर आईडी की लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आप अपनी वोटर आईडी की लिस्ट में नाम कैसे देख सकते हैं किसी भी स्टेट किसी भी राज्य का। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को बस शुरू से लेकर आखिर तक का देखना है। तो मैं इसमें आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा, जो कि मैं पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों, इसमें आपको एक वेबसाइट को फिल करना होता है। वेबसाइट का नाम है eci.nic.in। दोस्तों, आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको इसको सर्च करना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप यहां पर इसको सर्च करेंगे तो यहां पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और आपको इसमें क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन यहां पर मिलेंगे। तो आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर लिखा होगा इलेक्ट्रोल रोल। तो आपको ये वाले ऑप्शन पर जाना है, जहां पर मैंने ये माउस का क्लिक किया हुआ है। आपको इस पर भी क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको ऊपर लिखा दिखाई देगा भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको इसमें थोड़ा नीचे को आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर लिंक टू PDF ई रोल्स लिखा दिखाई देगा। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मतलब आपको आपकी स्टेट लेनी है, आपकी जो भी स्टेट है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लिंक टू PDF ई रोल। तो आपको यहाँ पर अपना राज्य लेना है, यानी कि आपको अपनी स्टेट लेनी है, जो भी अपना आपकी स्टेट है। तो यहाँ से दोस्तों, मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं यहाँ पर उत्तराखंड पर क्लिक कर देता हूँ। आप मतलब आपका जो भी राज्य हो आप वहाँ पर उस पर क्लिक कीजिएगा। तो मैंने उत्तराखंड पर क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पर उत्तराखंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मतलब हर तरह की मतलब 2009, 2007, 2008, 2010 मतलब सभी बॉर्डर लिस्ट यहाँ पर दी गई हैं, उसमें आपका नाम होगा। तो यहाँ पर जो है हमें फ़िलहाल अपनी न्यू बॉर्डर लिस्ट देखनी है। तो यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है मुझे SC सेगमेंट वाइज ड्राफ्ट इलेक्शन रोल। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये जो PDF ये एक PDF फाइल है, ये आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। जब दोस्तों ये डाउनलोड हो जाएगी तो इसको आप ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर चुका हूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की ये फाइल होगी, उसमें आपको कैसा नाम अपना सर्च करना है। तो यहाँ पर जो हमारी PDF फाइल है ये ओपन हो चुकी है। बहुत लंबी फाइल है, इसमें बहुत सारे पेज है। आपको अपनी सिटी के हिसाब से आपको मतलब आपका जो भी एरिया और जो भी आपका ब्लॉक ग्राम जो भी है आपका उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो मेरा जो ये उत्तराखंड का है ये पूरे मतलब स्टेट का इन लोगों ने दे रखा है। यहाँ पर 5249 पेज यहाँ पर दिए हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मतलब यहाँ पर फोटो उपलब्ध नहीं है तो फोटो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको नाम वगैरह सब यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप मतलब अपना नाम इसको नीचे करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है जैसे वार्ड नंबर 3 तल्ली बमरी। तो अपने मतलब आप वार्ड के हिसाब से यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं कि आप मतलब आपका लिस्ट में नाम है या नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से मतलब आप अपनी वोटर आईडी की लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको हमारी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।